Hey guys, welcome back to the channel. कैसे हम सब लोग अभी ये संडे आफ्टरनून बहुत ही प्यारी सी वार्म सी संडे आफ्टरनून है, हल्की हल्की धूप है और हम लोग आए हैं विटबी शोर्स। तो अभी इस वीडियो में हम लोग आपको विटबी के बारे में बहुत कुछ बताने वाले हैं, विटबी टाउन के बारे में जहाँ हम लोग रहते हैं। विटबी इज आर होम टाउन। पता है मुझे ना बहुत सारे कमेंट्स आते हैं यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, लोग हमसे पूछते हैं आप विटबी क्यों मूव हुए, या ब्रैम्पटन कैसा है, बोल्टन कैसा है, मिल्टन कैसा है। मतलब जिन शहरों में हम लोग रहे हुए हैं, जब से हम कनाडा आए हैं ना 5 साल में हम लोग 4 सिटीज में रहे हैं, विटबी में रह रहे हैं, इससे पहले बोल्टन में थे, उससे पहले ब्रैम्पटन में थे और फिर 2 महीने के लिए ओकविल भी रहे थे। तो मैं कहती हूँ कि हम 4 सिटीज में रहे हैं और काम का किया है, वॉन में काम किया है। अमित अभी भी वॉन में काम कर रहे हैं, मैंने 4 साल वॉन में काम किया है, 3 साल, और स्कारब्रो में काम कर रहे हैं। तो वॉन को अच्छे से जानते हैं, स्कारब्रो को अच्छे से जानते हैं और जिन सिटीज में रहे हैं वहाँ पर भी अच्छे से जानते हैं उनको। तो ये सिटीज तो वो है जो आपको हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, आपको अच्छे से इन सिटीज के बारे में बता सकते हैं। प्लान है कि हफ्ते में, 2 हफ्ते में एक आधी वीडियो ऐसे बनाकर अब आपको ऑन्टेरियो एक्सप्लोर कराते हैं। जो सिटीज हमें नहीं पता आपके जैसे सब्सक्राइबर्स पकड़ेंगे वहां पर। लोग बहुत खुश है भाई विटबी में। तो जिन सिटीज के बारे में हम नहीं जानते आप लोग हमें वो सिटीज घुमाओगे, उन सिटीज के बारे में बताओगे। Hey, how are you? This is one of the reasons I love विटबी. Okay, तो करने क्या वाले हैं हम लोग, आपको विटबी के major attractions दिखाने वाले हैं, जो चीजें आपको पता होनी चाहिए विटबी के बारे में वो बताने वाले हैं, हम लोगों ने विटबी क्यों चुना ये बताने वाले हैं, और विटबी में रहने के प्रॉस भी बताने वाले हैं और कॉन्स भी बताने वाले हैं। तो चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। अब जो लोग कनाडा से नहीं है या फिर ओंटारियो से नहीं है उनको विटबी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि विटबी आखिर है क्या, हम किसकी बात कर रहे हैं। विटबी, या मुझे बोलना चाहिए टाउन ऑफ विटबी, ऐसे हम विटबी को बोलते हैं रिस्पेक्ट के साथ। द टाउन ऑफ विटबी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टाउन्स इन कनाडा और दुरम म्यूनिसिपैलिटी में आता है। अब दुरम जैसे कनाडा में ओंटारियो में बहुत सारी म्यूनिसिपैलिटीज हैं, अगर आप ब्रैम्पटन की बात करो तो वो पील म्यूनिसिपैलिटी में आता है, ओकविल की बात करो तो वो हाल्टन म्यूनिसिपैलिटी में आता है, ऐसे विटबी जो है वो दुरम म्यूनिसिपैलिटी में आता है और दुरम म्यूनिसिपैलिटी का हेडक्वार्टर भी विटबी में है। अब टाउन ऑफ विटबी का टोटल एरिया है 146 स्क्वायर किलोमीटर्स और 150,000 मतलब 1.5 लाख लोगों की टोटल पॉपुलेशन है विटबी में। For so long, I've been trying to get you out of my... अब विटबी में रहने के प्रॉस डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला रीजन जिसकी वजह से यंग फैमिलीज या फिर न्यू इमिग्रेंट्स विटबी को अपने परमानेंट होम की तरह कंसीडर कर सकते हैं वो है प्रॉक्सिमिटी टू टोरंटो। अब अगर हम डाउनटाउन टोरंटो से डाउनटाउन विटबी की डिस्टेंस की बात करें तो इट इज अराउंड 50 किलोमीटर्स। तो 50 किलोमीटर्स का डिस्टेंस जो है अगर आप गो ट्रेन से जाते हो तो आप 45 मिनट से 50 मिनट में कवर कर लेते हो, अगर आप ड्राइव करके भी जाते हो, बिकॉज विटबी में बड़े सारे हाईवे हैं। वी हैव हाईवे 401, वी हैव हाईवे 412, वी हैव हाईवे 407, तो विटबी वेरी वेल कनेक्टेड है हाईवे से। तो आप अगर ड्राइव करके भी जाते हो तब भी आप पीक टाइम में 1 से 1.25 घंटे में टोरंटो पहुंच जाओगे। अब दूसरा रीजन जो विटबी को एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बनाता है, दोबारा बोलते हो, अब दूसरा रीजन जो विटबी को एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बनाता है वो भी कहीं ना कहीं रीजन वन से जुड़ा हुआ है, वो है अफोर्डेबल हाउसिंग। वैसे तो कनाडा में ना आजकल अफोर्डेबल हाउसिंग वर्ड ही यूज ही होना चाहिए, मतलब ये फ्रेज ही यूज ही होना चाहिए, लोग आपको सू ही कर देंगे। लेकिन ना हम अब यहाँ पे कंपेरेटिव स्टडी कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं विटबी सिटी को एज कम्पेयर टू अदर सिटीज। अब मैंने आपको ये बता दिया कि यार विटबी डाउनटाउन टोरंटो से 50 किलोमीटर दूर है एंड वेरी मच इन GTA है। अब उसके हिसाब से अगर हम हाउसिंग की बात करें ना तो आप विटबी को कंपेयर करो हाउसिंग प्राइसेस से जो कि ब्रैम्पटन के हैं, वॉन के हैं या बाकी सारी सिटीज के हैं, एजिक्स के हैं, पिकरिंग के हैं, उसके कंपेरेटिवली विटबी के हाउसेस ज़्यादा सस्ते हैं। तो जब हम लोग भी घर देख रहे थे, वैसे हमारा मेन रीजन घर देखने का था कि मेरी जॉब स्कारब्रो में थी। अब स्कारब्रो में जॉब होने की वजह से हमारे पास ऑप्शन थे स्कारब्रो में घर लेना, पिकरिंग में घर लेना, एजिक्स में घर लेना या फिर विटबी में घर लेना। अब जब ये सारी सिटीज के हाउसिंग प्राइसेस हमने कंपेयर किया ना, दो हमने जितने का घर विटबी में लिया उतने के घर हमें हर सिटी में मिल जाते, मगर बात आती है वैल्यू ऑफ मनी की, कि उस पैसे में आपको विटबी में किस तरह का घर मिल रहा है या पिकरिंग या एजिक्स में आपको किस तरह का घर मिल रहा है। तो विटबी में बाकी सारी सिटी से कंपेरेटिवली मैं कहूंगी कि आपको
सेम मनी में बड़े घर मिल जाते हैं, ब्यूटीफुल घर मिल जाते हैं, ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, या फिर छोटे घर डेफिनेटली सस्ते हैं. तो विडबी कंपेयर टू अदर GTA सिटीज, इट इज़ मोर अफोर्डेबल इन हाउसिंग टर्म्स. So guys, as you know, Canada is famous for its natural beauty, and Whitby actually complements that. Whitby mein bahut pyari pyari trails hain, beaches hain, harbor front hai, walking trail and biking trail and parks hain, splash pad hai. To agar aap weekend ka kuch plan karna chaho na, actually mein aapko Whitby se bahar jane ki zarurat hi nahi hai. Every weekend you will have something new to explore in Whitby. Got to know if you feel the things I do. अब तीसरा रीजन जिसकी वजह से नए इमिग्रेंट्स या फिर यंग फैमिलीज विटबी को कंसीडर कर सकती है, वो रीजन है कि विटबी में एथनिक डाइवर्सिटी और यंग फैमिलीज की पॉपुलेशन ज्यादा है. इससे फायदा क्या होता है, देखो जो नए इमिग्रेंट्स कौन होते हैं, नए इमिग्रेंट्स 80% ऑफ द टाइम 27-28 की एज से लेकर 45 की एज तक होते हैं, जिनको मैं अभी इस वीडियो में रेफर करने के लिए यंग फैमिली बोल रही हूँ. इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग 50 या 55 की एज के वो यंग फैमिली से है, दिल से यंग होना चाहिए, मगर बच्चों की बात कर रहे हैं. तो जब नए इमिग्रेंट्स आते हैं ना, तो वो अपनी एज के फ्रेंड्स ढूंढते हैं, बच्चे अपनी एज के बच्चे ढूंढते हैं. एथनिक डाइवर्सिटी भी एक मेजर पार्ट रहती है एक सिटी को चूज करने का. तो विटबी में अगर आप 2021 का सेंसस उठाकर देखो ना, तो उसमें 63% तो यूरोपियंस हैं, लेकिन 12% साउथ एशियंस हैं, और साउथ एशियंस में भी 6% इंडियंस हैं. चाइनीज कम्युनिटी भी है, मिडल ईस्टर्न कम्युनिटी भी है. तो एथनिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है विटबी में. ऐसा नहीं है कि अब मैं बोलूँगी कि यार, जैसे हम ब्रैम्पटन के लिए बोलते हैं कि मेनली इंडियन कम्युनिटी है वहाँ पे, तो आई लव 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 ब्रैम्पटन, लेकिन आप में से बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो ब्रैम्पटन को इसी वजह से कहते हैं कि यार वहाँ पे आपको एथनिक डाइवर्सिटी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से आप एक फॉरेन कंट्री में मूव होने के बारे में सोचते हो. तो ये एक अच्छा पॉइंट है. बोल्टन में हमें ये लगा था कि यार इंडियन पॉपुलेशन नहीं है, साउथ एशियन कम्युनिटी नहीं है. बीइंग अ साउथ एशियन, हम साउथ एशियन कम्युनिटी भी ढूंढते हैं. हर एज ग्रुप को अपनी कम्युनिटी, अपना फ्रेंड सर्कल, अपनी कंपनी मिल ही जाती है. तो दैट ऑल्सो मेक्स इट बी अ वेरी पॉपुलर डेस्टिनेशन. आपको पता है फिटबिट टाउन जो है ना 1855 में बना था. हमारे इंडिया में जब 1857 की क्रांति हुई ना, उससे जब 2 साल पहले. और इंग्लैंड में एक यॉर्कशायर में टाउन है विटबी सिटी, उसी के नाम पर बनाया गया था. और 19th century में ये जो विटबी हार्बर है ना, ये बहुत ही फेमस प्लेस था. और ये लाइट हाउस आज तो फंक्शनल नहीं है, लेकिन उस टाइम पर ये फंक्शनल भी था. और बहुत सारी शिप्स को, और जो कि डॉकिंग वगैरह के लिए और बिजनेस के लिए जब यहाँ पर ये यूज होता था ये पोर्ट, तो ये बहुत काम का भी था. गाइस, ये कोई कासल नहीं है, ये स्कूल ही है. बट हाँ, कासल वाला स्कूल है, ट्रफाल्गर कासल स्कूल. ये विटबी में एक प्राइवेट स्कूल है, गर्ल्स ओनली स्कूल. 1874 से पहले ये एक प्राइवेट मैंशन था, लेकिन 1874 से ये गर्ल्स स्कूल बन गया. पहले 1979 तक ये ओंटेरियो लेडीज कॉलेज था, लेकिन अभी ग्रेड 4 से लेकर ग्रेड 12 की गर्ल्स के लिए स्कूल है, और बहुत ही रिनाउंड स्कूल है. ये इतना ब्यूटीफुल स्कूल भी है ना, कि कनाडा में एक बहुत इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट की तरह भी इसको मानते हैं, बिकॉज ये 1859 में बना था. तो इतनी पुरानी प्रॉपर्टी है ये, एक लुक तो बनता है इसका. अब अगर स्कूल्स की बात हो ही रही है, तो आपको मैं बता दूं कि दुरहम डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड जो है वो बहुत ही रिनाउंड स्कूल बोर्ड है. और विटबी में 2 स्कूल बोर्ड्स हैं, दुरहम डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड भी है और दुरहम कैथोलिक स्कूल बोर्ड भी है. तो कैथोलिक स्कूल बोर्ड में कैथोलिक स्कूल्स आते हैं, और दुरहम डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड में विटबी में अराउंड 26 एलिमेंट्री स्कूल्स हैं और 6 सेकेंडरी स्कूल्स हैं. तो रेटिंग विटबी के स्कूल्स की एक्चुअली में बहुत अच्छी है. तो ये भी एक रीजन है कि यंग फैमिलीज के लिए, बच्चों वाली फैमिलीज के लिए विटबी एक पॉपुलर डेस्टिनेशन
डेस्टिनेशन है। फॉलिंग ब्रुक स्कूल की बात करें जो विडबी में ही है, हमारे घर से बस 1 किलोमीटर दूर है। इनफैक्ट वी वर वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड कि एमी को फॉलिंग ब्रुक स्कूल में एडमिशन मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पाया। तो फॉलिंग ब्रुक स्कूल जो है वो ओंटेरियो की टॉप स्कूल्स में आता है और उसकी काफी साल तक रेटिंग 10 out of 10 थी फ्रेजर रेटिंग के हिसाब से। और अगर फ्रेजर रेटिंग की बात करें तो विडबी के मोस्टली स्कूल्स की रेटिंग जो है वो 7 तक है, मतलब 7, 7.5, 8, 8.5 ऐसी है। देर विल बी वेरी रेयर स्कूल्स जिनकी रेटिंग 7 से कम मिलेगी। अब अगर रेटिंग आपको आइडिया दो ना, तो जो हमारा ब्रैम्पटन वाला घर है उस घर के पास जो स्कूल पढ़ता है ना, उस स्कूल की रेटिंग फ्रेजर्स रेटिंग के हिसाब से है 3। तो इसी से आप कंपेयर कर लो कि विडबी के स्कूल्स एक्चुअली रेटिंग के हिसाब से भी बहुत अच्छे हैं। Guys, ये है विडबी का सिटी का ऑफिस जहाँ पर आप सारे परमिट्स के लिए और कंप्लेंट्स के लिए आओगे। द रीजनल म्यूनिसिपैलिटी ऑफ दुरम हेडक्वार्टर्स, या दुरम हेडक्वार्टर्स भी हमारे विडबी में ही है। और ये है दुरम रीजनल पुलिस स्टेशन। गाइस, अब बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। विडबी आल्सो हैज इट्स ओन गो स्टेशन, जिसकी वजह से डाउनटाउन टोरंटो से या फिर ओंटेरियो की किसी भी सिटी से ना हमारी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। यहाँ पर जो बसेस चलती हैं वो है पल्स की सर्विस है। अब उसमें $4 में फॉर 2 hours आप पूरे डुरम रीजन में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो। गो ट्रेन से आप डाउनटाउन जा सकते हो। आई रिमेम्बर हम वीकेंड पे गए थे तो इनका ना एक वीकेंड पास भी चलता है $10 में, फुल डे अनलिमिटेड ट्रैवल बाय गो ट्रेन। तो कभी यहाँ पर आओ तो उसको ट्राई जरूर करना। गाइस, ये स्टार बर्गर विडबी का सबसे पुराना रेस्टोरेंट है, मतलब मैकडी से पहले ये खुला था बर्गर रेस्टोरेंट विडबी में। अब विंटर्स में ना मोस्टली लोगों का एक ही प्लान होता है, कहीं बाहर चलकर डिनर कर लेते हैं। तो अगर ईट आउट्स की और रेस्टोरेंट्स की बात करें ना विडबी में, तो अच्छी खासी डाइवर्सिटी है। अब आपको बताया कि सिर्फ 12% साउथ एशियंस है विडबी में, लेकिन 12 और उसमें से 6% इंडियन है। 6% इंडियंस के लिए भी ना विडबी में इनफ इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे संस्कृति है, ओ बॉम्बे है, मेरा फेवरेट चार मीनार है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, मिडिल ईस्टर्न रेस्टोरेंट्स हैं, चाइनीज रेस्टोरेंट्स हैं, डेफिनेटली इंग्लिश एंड कैनेडियन रेस्टोरेंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी इंडियन खाने की, साउथ एशियन खाने की कोई कमी नहीं है यहाँ पे ईट आउट्स के लिए। गाइज, आपको पता है विडबी वैसे तो एक टाउन है, लेकिन टाउन होने के बाद भी विडबी में छोटी 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 बहुत सारी कम्युनिटीज और विलेज है। जैसे एक है ब्रुकलिन विलेज। अब ब्रुकलिन इतना फेमस विलेज है कि कई लोगों को लगता है कि ब्रुकलिन विडबी से अलग पार्ट है, अपनी अलग टाउन, अपनी अलग सिटी है। ऐसा नहीं है, ब्रुकलिन वेरी मच इज द पार्ट ऑफ विडबी, और ब्रुकलिन का अपना एक डाउन टाउन है और विडबी का तो अपना डाउन टाउन है ही। सो दैट मेक्स विडबी अ टाउन विद 2 downtowns, एक विडबी डाउन टाउन और एक ब्रुकलिन डाउन टाउन। और ब्रुकलिन में ही था हमारा वो फेयर जिसकी मैंने वीडियो बनाकर डाली थी, और आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि शिल्पा इसकी लोकेशन क्या है, तो उसकी लोकेशन थी ब्रुकलिन। मेरे को लगता है कि टाउन्स में ही फेयर होते हैं। जैसे हम लोग जब बोल्टन में रहते थे, तो बोल्टन में भी ऐसा एक स्प्रिंग फेयर हुआ था, उसकी भी वीडियो बनाई थी हम लोगों ने, और अब यहाँ पे ब्रुकलिन में भी फेयर हुआ। तो साल में एक बार स्प्रिंग में या फिर फॉल में इन टाउन्स में फेयर होता है, 2-3 दिन का होता है। तो इसीलिए जो लोग मुझसे बाद में पूछ रहे थे ना वीडियो आने के बाद कि ये इसकी लोकेशन क्या है, गाइस देयर वाज नो यूज, क्योंकि फेयर सिर्फ 3 दिन का था, Friday, Saturday, Sunday. Just one glass in, you're already on my mind. When it gets late, I always realize. एक पेरिस पे जैसे वो लॉक ब्रिज था ना, यहाँ पे लॉक हार्ट बना रहे थे। अभी तो बंद होगी लाइब्रेरी, लेकिन यहाँ पर एक वीडियो बनाया हुआ है मैंने, आपने देखा भी होगा, विडबी सेंट्रल लाइब्रेरी का। तो विडबी में 3 libraries हैं। ये सेंट्रल लाइब्रेरी है जो कि सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, एक ब्रुकलिन में और एक रोजलैंड पे है। तो ये इतनी बड़ी लाइब्रेरी है कि यहाँ पर बुक्स के अलावा आपको बच्चों के गेम्स भी मिल जाती है, DVDs भी मिल जाती है, और बोर्ड गेम्स भी मिलती हैं, और बहुत सारे बच्चों के प्रोग्राम्स भी चलते रहते हैं। इट इज रियली अ हैपनिंग प्लेस जिसमें बच्चों के लिए, अगर आपको अपनी बुक्स पढ़नी है या फिर नोट्स बनाने हैं, तो बच्चों का प्ले एरिया है विद लॉट ऑफ टैबलेट्स, जहाँ बच्चे अपने टैब भी देख सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, कलरिंग एरिया है, और बहुत सारी क्लासेस चलती रहती है यहाँ पर। रीडिंग क्लासेस चलती हैं बच्चों के लिए, और बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चलते रहते हैं। जैसे जब मैं एमी को यहाँ पर लेकर आई थी, तो उस टाइम स्क्वेंजर हंट का प्रोग्राम चल रहा था, तो हम लोगों को कुछ ना कुछ मिलता था, हिंट्स मिलते थे, और हमारे को पूरी लाइब्रेरी में वो सामान ढूंढना होता था। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज चलती रहती है,
और प्रोग्राम्स चलते रहते हैं और बुक्स तो है ही है, तो ये लाइब्रेरी तो मेरी फेवरेट लाइब्रेरी है विडबी में। Literally, mama, you have to say there are books, books are anyways in every library. Yes, और एमी को आजकल बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है ना। अब इससे पहले कि मैं आपको कॉन्स बताने शुरू करूं विडबी में रहने के, दो और स्ट्रॉन्ग रीजंस देती हूं आपको विडबी में रहने के। एक तो ये है कि विडबी इज वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेसेस इन कनाडा टू लिव इन। आपको पता है विडबी का जो क्राइम एवरेज है वो कनाडा के नेशनल क्राइम एवरेज से 37% कम है, और इसके अलावा काफी सालों से विडबी में जो क्राइम परसेंटेज है वो चेंज नहीं हुआ, इट्स कांस्टेंट। मतलब यहाँ की पुलिस ने काफी हद तक यहाँ के क्राइम पर कंट्रोल किया हुआ है। तो जैसे बाकी सिटीज में आप काफी सारी न्यूज सुन रहे हो कि कनाडा में क्राइम बढ़ता जा रहा है, बाकी सिटीज में क्राइम परसेंटेज और क्राइम केसेस बढ़ते जा रहे हैं, दिस इज नॉट द केस विद विडबी। और सेकेंड रीजन, विडबी की पॉपुलेशन जो है वो काफी वेल एजुकेटेड है। 95% लोगों के पास कोई ना कोई डिग्री या डिप्लोमा है, 32% यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, और इसकी वजह से जो विडबी की हाउस होल्ड मीडियन इनकम है दैट इज 123,000 पर एनम। तो ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से विडबी को आप डेफिनेटली अपना घर कंसीडर कर सकते हो। लेकिन बस अब कल से विडबी में घर ढूंढने की बजाय कुछ कॉन्स भी देख लो। अब मैं आपको बताती हूँ कौन सी चीजें विडबी में नॉट सो गुड है जिनकी वजह से आप ये भी सोच सकते हो कि यार ना, आप शिल्पा के बाकी सीरीज का वेट करेंगे, बाकी सिटीज का वेट करेंगे अपना नया घर ढूंढने के लिए, क्योंकि हर सिटी के प्रोस भी होते हैं और कॉन्स भी होते हैं। तो विडबी के कॉन्स डिस्कस करते हैं। अब जो फर्स्ट थिंग जो कॉन्स में आती है ना, वो ये है कि विडबी में प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। लाइक डुरम रीजन की अगर बात करें ना, तो डुरम रीजन में प्रॉपर्टी टैक्स ज्यादा है कम्पेयर टू अदर सिटीज इन ओंटेरियो, और उनमें भी विडबी में जो है वो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स है। अगर यहाँ पे ना क्या होता है, यहाँ पर ना एमपैक की असेसमेंट होती है आपके घर की, और उसके बेस पे प्रॉपर्टी टैक्स डिसाइड होता है। तो नॉर्मली जब मैं, जैसे मैं मॉर्गेज में हूँ, तो हम क्या करते हैं, हम प्रॉपर्टी टैक्स किसी प्रॉपर्टी का नहीं पता होता ना, और अगर वो जीटीए में है तो हम उसका जो प्रॉपर्टी टैक्स है हम ले लेते हैं 0.79% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। बट विडबी में जो एमपैक की जो भी प्रॉपर्टी असेसमेंट है ना, उसका 1.12% प्रॉपर्टी टैक्स है, एंड दैट मेक्स विडबी अमंग टॉप 5 मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेसेस इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। तो भैया घर चाहे सस्ते मिल जाएंगे, बट प्रॉपर्टी टैक्स बहुत भरना पड़ेगा विडबी में। अब सेकेंड चीज जो विडबी में बहुत अच्छी नहीं है वो ये है कि विडबी ना अपने नेबर्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। हमारे नेबर्स कौन से हैं? ओशवा हमारा नेबर है, एजेक्स हमारा नेबर है, पिकरिंग हमारा नेबर है। तो विडबी में अपना खुद का एक अच्छा कोई शॉपिंग मॉल है ही नहीं। विडबी में शॉपिंग मॉल के नाम पर हमारे पास ये है, ये विडबी मॉल का पूरा टैगलाइन, और ये हमारा मॉल। इसमें ऐसा एक ब्रांड नहीं है जिसका नाम देखकर ना आपको इस मॉल के अंदर जाने का मन कर जाए। एक साल होने को आया विडबी में मैं रहते हुए, और इस मॉल के अंदर मैं आज तक सिर्फ एक ही बार गई हूँ, जब मुझे अपना पासपोर्ट लेना था कनाडा का, क्योंकि इसमें सारे के सारे डॉक्टर्स के ऑफिसेज हैं, और इसमें सर्विस कनाडा है, सर्विस ओंटेरियो है, ये सारे ऑफिसेज ही है। तो आपको जब बहुत काम पड़ जाएगा ना, तब आप इसके अंदर जाओगे, शॉपिंग करें तो कभी नहीं जाओगे। तो शॉपिंग करने के लिए विडबी वाले लोग कहाँ जाते हैं? ओशवा सेंटर जाते हैं ओशवा में, और पिकरिंग टाउन सेंटर जाते हैं पिकरिंग में। ऐसा नहीं है कि शॉपिंग के प्लेसेस नहीं है विडबी में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बहुत सारे हैं, जैसे जो जहाँ पे विनर्स है, होमसेंस है, वहाँ पे ओल्ड नेवी भी है, और बहुत सारे और भी स्टोर्स हैं, मगर शॉपिंग मॉल के नाम पर विडबी में कोई ढंग का शॉपिंग मॉल नहीं है। हाउ ब्यूटीफुल इट इज लुकिंग है ना, पूरी बिल्डिंग ऐसे क्रीपर से सजी पड़ी, और ऐसी ही बेल थी मेरे घर के बाहर भी जो हमसे गलती से मतलब उखड़ गई, जड़ से ही खत्म ही हो गई। इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। एनीवेज, एक और कॉन डिस्कस करते हैं। आपको मैंने बताया ना कि विडबी में यंग फैमिलीज बहुत ज्यादा है, बच्चे बहुत ज्यादा है, तो उसका एक कॉन पता क्या है कि ना यहाँ पे बच्चों की जो रिक्रिएशनल क्लासेस होती है, जैसे आप कम्युनिटी क्लासेस लगवाते हो बच्चों की, स्विमिंग पूल क्लासेस होती है, स्केटिंग क्लासेस होती है, डांस क्लासेस होती है, म्यूजिक क्लासेस होती है, जिम क्लासेस होती है, मतलब दुनिया जहान की क्लासेस होती है यहाँ बच्चों की, तो उनकी अवेलेबिलिटी मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है यार। मैं कह रही हूँ एमी के लिए हम लोगों ने स्विमिंग क्लासेस ट्राई करी, क्यों हम लोग इतनी महंगी क्लासेस लेकर प्राइवेट लेसन्स ले रहे हैं, बिकॉज पिछले 5-6 महीने में हमें एमी के लिए स्विमिंग क्लासेस का कोई स्पॉट मिला ही नहीं। हम एमी को जिमनास्टिक क्लासेस के लिए डालना चाहते थे, वो हमें सीट नहीं मिली, डांस क्लासेस के लिए डालना चाहते थे, वो हमें सीट नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक डेट डिसाइड हो जाती है कि मान लो समर के क्लासेस ओपन हो रही है और आपको 1 जुलाई को
बैठ जाना है कंप्यूटर पे, इस टाइम पर क्लासेस ओपन होंगी। अगर 9 बजे क्लासेस ओपन हो रही है ना और आपने 9:15 बजे कंप्यूटर खोला, तब तक सारी क्लासेस पूरी समर की बुक हो चुकी होंगी। तो मतलब हम लोगों ने कोशिश बहुत बार करी है उन डेट्स के ऊपर कंप्यूटर पे बैठने की, मगर कभी हम एक स्पॉट सिक्योर नहीं कर पाए, बिकॉज यंग फैमिलीज होने की वजह से, बच्चे होने की वजह से, यहाँ पर ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज और ये रिक्रिएशनल क्लासेस इतनी पॉपुलर है, इतनी पॉपुलर है कि मोस्टली लोग प्राइवेट लेसन में ही जाते हैं। ऐसा नहीं है किसी को क्लासेस नहीं मिलती, किसी को क्लासेस मिलती है, तभी तो हम जैसे को क्लासेस नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट लेसन्स के ऑप्शंस अच्छे हैं। तो जिमनास्टिक की प्राइवेट क्लासेस हैं यहाँ पर, स्विमिंग की प्राइवेट क्लासेस हैं, प्राइवेट सेंटर्स हैं, मगर कम्युनिटी क्लासेस मिलना एक हर्डल, एक चैलेंज है। बींग अ पर्सन हु वर्क्स इन हेल्थ केयर सेक्टर, तो ये टॉपिक भी मुझे एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था। ये विडबी हेल्थ केयर सेंटर का ऑफिस है, मगर ये हॉस्पिटल नहीं है। कैन यू इमेजिन, विडबी में अपना कोई हॉस्पिटल ही नहीं है, विडबी में हॉस्पिटल है ही नहीं। मैंने सोचा था कि मेरा विडबी के किसी हॉस्पिटल में अप्लाई कर दूंगी, अभी को हॉस्पिटल का इतना एक्सपीरियंस हो गया है, होगा तो अप्लाई करूंगी ना। जैसे मैंने आपको बोला कि विडबी जो है वो अपने नेबर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो भाई साहब अगर विडबी के लोगों को अगर हॉस्पिटल में जाना हो ना, तो वो ओशवा में लेकरेज हॉस्पिटल है, वहाँ पर जाते हैं। और ये एक ड्रॉबैक है विडबी में रहने का कि आपको एक साइजेबल अमाउंट ऑफ ड्राइव करके, दो ओशवा बहुत दूर नहीं है, हद मार के आप विडबी के किसी भी कोने में रह जाओ, 15-20 मिनट 25 मिनट में ओशवा पहुंच ही जाओगे, लेकिन फिर भी विडबी में अपना हॉस्पिटल ना होना ये एक चैलेंज है। अब विडबी का ये कॉम्प्लेक्स जो है ना, इट हैज ऑलमोस्ट एवरीथिंग, फिजियोथेरेपी भी है, डॉक्टर्स के ऑफिसेस भी है, ग्रॉसरी स्टोर्स भी है, दुनिया जान के रेस्टोरेंट्स हैं, और विडबी की लाइब्रेरी भी है। लेकिन ग्रॉसरी स्टोर्स की बात करूँ, यहाँ पर मिडिल ईस्टर्न ग्रॉसरी स्टोर भी है और साउथ एशियन ग्रॉसरी स्टोर भी है, एंड दैट्स प्रीटी मच इट, यही ग्रॉसरी स्टोर्स हैं हमारे पास। ईट आउट्स की रेस्टोरेंट की कमी नहीं है यहाँ पर, लेकिन अगर मैं साउथ एशियन ग्रॉसरी स्टोर्स की बात करूँ तो डेफिनेटली विडबी के पास कमी है, क्योंकि इसमें भी हम या तो एजेक्स भागते हैं इकबाल फूड्स या पंचवटी, या हम ओशवा भागते हैं पंचवटी, वही अपने नेबर्स के ऊपर सुपर डिपेंडेंट रहना। मतलब मेरे को लगता है विडबी के पास अगर इतने अच्छे नेबर्स नहीं होते तो विडबी का क्या होता। यहाँ पर छोटे छोटे साउथ एशियन ग्रॉसरी स्टोर्स बने हुए हैं, क्योंकि डेफिनेटली विडबी में एक भी इंडियन ग्रॉसरी स्टोर नहीं था, लेकिन बहुत छोटे होने की वजह से और साउथ एशियन कम्युनिटी सिर्फ 12% होने की वजह से इनके पास जो कस्टमर बेस है वो इतना कम है कि चीज़ों का रेट जो है वो काफ़ी महंगा है। तो यहाँ से आप तभी लोगे जब आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब अर्जेंसी है और आपके पास टाइम नहीं है ओशवा या एजेंट भागने का, क्योंकि बड़े ग्रॉसरी स्टोर्स यहाँ पे, वैसे वॉलमार्ट है हमारे पास लेकिन कॉस्को नहीं है, हमारे पास वो द बैड बॉय है, तो अभी आपको मैंने विडबी मॉल में दिखाया था, लेकिन हमारे पास आइकिया नहीं है। वैसे तो आइकिया तो नियरेस्ट आइकिया जो है पूरे दुर्गम रीजन में ही आइकिया नहीं है, आइकिया जो हमारा नियरेस्ट है वो नॉर्थ यॉर्क में ही है, लेकिन हाँ कॉस्को हमारे एजेक्स के पास है, ओशवा के पास है। तो विडबी ना ऐसे बोलता है, अगर एजेक्स भाई के पास है या ओशवा बहन के पास है तो मुझे रखने की क्या जरूरत है, मैं उनसे मांग लूंगा ना। ये भी एक ड्रॉबैक है या कौन कह सकते हो आप विडबी में रहने का। बट हाँ समोसे मिल जाते हैं, समोसे मिल जाते हैं यहाँ पे, समोसा हट है। हाँ तो क्या पता ओशवा या एजेक्स वाले यहीं पर आकर यहीं से समोसे खरीद कर जाते हो, कुछ ना कुछ तो दे भी देते हैं हम लोग। तो गाइस ये था हमारा टेक विडबी को लेकर। तो आप सभी लोग जिन्होंने मुझसे विडबी को लेकर इतने सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, आई होप थोड़े से आंसर्स आपको मिल गए होंगे। और अगर आप विडबी में रहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना आपको विडबी में सबसे अच्छा क्या लगता है, और अगर आप विडबी कंसिडर कर रहे हो मूव होने का तो क्यों कंसिडर कर रहे हो, और अगर आप विडबी छोड़कर चले गए थे तो ये भी बताओ यार विडबी छोड़कर क्यों चले गए थे, या आपको विडबी पसंद क्यों नहीं है। अब मुझे कमेंट्स में ये जरूर बताना कि आपको और कौन कौन सी सिटीज के ऐसे रिव्यूज चाहिए। मुझसे मिलो अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।